केंद्र सरकार की विकसित भारत यात्रा का पड़ाव इन दिनों भिलाई निगम क्षेत्र में है, जहां दोनों पालियों में शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। ये यात्रा शनिवार को दूसरी पाली में संजय नगर भिलाई पहुंची और क्षेत्र की जनता ने केंद्र शासन की योजनाओं का लाभ उठाया। इन दिनों विकसित संकल्प यात्रा का रथ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में पड़ाव डाले हुए है और इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई अपनी महती भूमिका निभा रहा है। शनिवार को इस यात्रा का शिविर कोसानगर भिलाई एवं संजय नगर भिलाई में आयोजित किया गया, जहाँ नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 1 की टीम ने अपनी विशेष भूमिका अदा की। इस शिविर में सभी विभाग के संबंधित अधिकारी कर्मचारी अपने अपने स्टॉल लगाकर बैठे नजर आए, परंतु आम जनमानस का रुझान प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उज्ज्वला गैस योजना की तरफ ज्यादा दिखाई दिया। शिविर में अन्य विभाग के स्टॉल पर भी आम जनमानस की भीड़ दिखाई दी। यहां सबके पंजीयन कराए गए, इसके बाद वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तत्पश्चात पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल पाएगा। इस शिविर की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई जोन 1 के आयुक्त ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिविर हमने यहाँ पे लगाए हुआ है युवक के द्वारा नगर निगम के हमारे कमिश्नर के सहयोग से। यहाँ पर सभी 15 वार्ड हमारे जोन अंतर्गत आते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग शिविर है। यहाँ पर 4 वार्डों का हमने कवरेज किया हुआ है, तो वहाँ के जितने भी हितग्राही हैं यहाँ पर आकर मुनादी हमने किया था, तो उनके साथ ही कई प्रकार से हमने लोगों संपर्क बनाया हुआ है और उनसे हितग्राही जो आ रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि योजनाएं कहाँ किस प्रकार की है, किस कैसे आप लोगों इसका लाभ ले सकते हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं कि हितग्राही यहाँ पर आते जा रहे हैं। अभी जैसे समस्त योजनाओं केंद्र सरकार समस्त योजनाओं का स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ जैसे कि हितग्राही आ रहे हैं वहाँ अपना जानकारी ले रहे हैं और उनका फॉर्म वो लोग भर रहे हैं, उनको फॉर्म का फिर परीक्षण किया जाए। परीक्षण उसका जैसे पात्र पाए जाते हैं तो उसके जो उनकी एजेंसी है जैसे खाद वाले है वो तो फिर उनके द्वारा फिर एक निर्धारित समय में उनको आवंटित भी किया। गौरतलब है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी, और यही कारण है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने सफलता की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है और समस्त प्रदेशवासियों को केंद्र शासन की योजनाओं का लाभ मिलता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।